Ravi Overseas, this is Purnima. और इस वीडियो में आज मैं बात करने वाली हूँ इनटेक्स MBBS इन रशिया के बारे में। तो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि इनटेक क्या होता है और उससे हमारा क्या मतलब है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वीडियो शुरू करने के पहले कि रशिया में कितने इनटेक होते हैं और किस इनटेक में कैसे एडमिशन लिया जाता है, कौन सी यूनिवर्सिटीज आपके पास होती हैं एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले बताते हैं कि इनटेक क्या होता है। इनटेक होता है कि कितने बार आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कितने सेशंस होते हैं एडमिशन के। तो नंबर ऑफ सेशंस इज इक्वल टू इनटेक। तो इस इनटेक के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हाउ मेनी इनटेक्स आर देयर टू अप्लाई योर एप्लीकेशन फॉर MBBS इन रशिया। तो रशिया में अगर इनटेक की बात करते हैं, तो अगर रशिया को हम कंपेयर करें बाकी कंट्रीज से, तो यूजुअली MBBS के दो इनटेक्स कंसिडर किए जाते हैं हर कंट्री में, जो कि एक फॉल होता है और एक स्प्रिंग। फॉल इनटेक होता है आपका सितंबर अक्टूबर वाला इनटेक, जहां पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और यूजुअली सितंबर अक्टूबर से आपकी क्लासेस शुरू होती हैं। और जो स्प्रिंग इनटेक होता है विच बिगिंस फ्रॉम द मंथ ऑफ फरवरी और इन मार्च, समवेयर इन मार्च। तो जहां हम बात कर रहे हैं MBBS एडमिशन में रशिया के लिए, तो रशिया इज पॉपुलरली नोन फॉर अ सिंगल इनटेक। तो यहाँ पर 99% यूनिवर्सिटीज के पास सिर्फ एक इनटेक होता है, यानी कि एक सेशन होता है एडमिशन लेने के लिए, जहां पर आप अपने एप्लीकेशंस को अप्लाई करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस डिलेमा में होते हैं कि हम नीट के रिजल्ट आने के बाद, इंडिया में ट्राई करने के बाद अगर एडमिशन नहीं मिला, तब जाके हम एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल। अगर आप अपने MBBS इंडिया की सीट देखने के बाद अगर अब्रॉड का ऑप्शन लेना चाहेंगे, तो वो आपके पास नहीं होगा, स्पेशली रशिया में। बिकॉज जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया, 99% यूनिवर्सिटीज का एक ही इनटेक होता है, जो कि फॉल इनटेक होता है, विच इज इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर अक्टूबर। तो मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज विल क्लोज देयर एप्लीकेशंस इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। ऑगस्ट में मोस्टली क्लोज कर देती हैं यहाँ पर एप्लीकेशंस, और क्योंकि एक इनटेक होता है। There is hardly a university, one university which comes into my mind right now, and that is Kursk State Medical University, जहाँ पर spring intake भी होता है हर साल। तो this is the only university, तो आपके पास आप खुद सोच सकते हैं बहुत ही limited option बचते हैं second intake के लिए, जहाँ पर आप MBBS की application को, अपने admission को apply कर सकते हैं। So my view point, if you are looking for admissions in Russia, you should start your application, you should plan your application well in advance, because अगर आप MBBS नीट के रिजल्ट आने के बाद इंडिया में अगर अपनी सीट को देखेंगे या फिर इंडिया में ट्राई करेंगे, यू मे लूज द अपॉर्चुनिटी टू गेट एडमिशन इन रशिया, बिकॉज इट इज ओनली हैव वन इनटेक विच इज इन फॉल। सो आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एकलव्य ओवरसीज।